हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर पाएंगे सी लैंग्वेज में और डिक्रीमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूं मैं और इसी पर हम कोडिंग करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर पाएंगे। सबसे पहले मैं हेडर फाइल बनाता हूं हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, ओके। और यहां पर मैं इंट मेन फंक्शन बना रहा हूं, यानी मेन फंक्शन, ठीक है। यहां पे इंट मेन फंक्शन हमने बना लिया और यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा करके, और फिर यहां पर अब हमें काम करना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, डेटा टाइप ले लूंगा इंट और यहां पर वेरिएबल बनाऊंगा आई, ठीक है। अब सपोज कीजिए आई में मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 20, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप यहां लगाएंगे और ये वाइल लूप लगा दिया हमने। और यहां पर कंडीशन क्या देंगे हम इसमें, यहां पे मैं देता हूं आई इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, ये कंडीशन हमने दे दी, ठीक है। आप जानते हैं कि व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन पहले होता है और इनिशियलाइज होने के बाद फिर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं उसमें, जबकि फॉर लूप में कंडीशन अलग है, ठीक है। अब यहां पे लगाता हूं प्रिंट एफ, क्या प्रिंट होना चाहिए वो चीज यहां पे आएगी, तो यहां लगा दिया प्रिंट एफ। तो यहां प्रिंट एफ लगाया हमने और प्रिंट एफ लगाने के बाद प्रिंटएफ लगाने के बाद यहां पर क्या करेंगे, हम परसेंट डी देंगे, परसेंट डी, ठीक है। और आई की वैल्यू को यहां पे प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो यहां पर आई की वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी और आई की वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद यहां पर हमें करना है डिक्रीमेंट। तो यहां पर मैं करता हूं आई माइनस माइनस, दिस इज कॉल्ड डिक्रीमेंट। तो उम्मीद करता हूं ये डिक्रीमेंट कैसे करना है। देखिए यहां पर मैंने किया, सबसे पहले क्या किया, यहां पर डेटा टाइप डिक्लेयर जब हमने किया उसी समय हमने उसमें कोई वैल्यू असाइन कर दी वेरिएबल में, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने वेरिएबल में 20 असाइन कर दिया है और यहां पर हमने क्या किया है, कंडीशन दिया है, ठीक है। तो यहां पर आई कर दिया है, ठीक है। और अब लास्ट में मैंने क्या किया है, डिक्रीमेंट किया है, ठीक है। और अब दोनों जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनको क्लोज करने की बारी, तो यहां से क्लोज भी कर देते हैं हम, ठीक है। लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है, दैट्स व्हाई यहां पे मैंने कर्ली ब्रैकेट से बॉडी बनाई है। और इन दोनों को अब क्लोज करना है, तो ये क्लोज भी हमने कर दिया है, ठीक है। अब चूंकि इंट मेन लगाया है तो यहां पर हमें क्या करना है, रिटर्न जीरो, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं रिटर्न जीरो और ये वाला जो ब्रैकेट हमने क्लोज किया था इसको हटाएंगे और इसको यहां पर क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्लोज कर देता हूं और अब इसको सेव करने की बारी है, तो यहां से सेव कर लेते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं डी डॉट सी, ठीक है, इस नाम से सेव कर लिया हमने। अब इसको कंपाइल करवाते हैं, तो ये कंपाइल हो गया। अब इसको रन करवाने के बारी, तो यहां से रन करवाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ठीक है। और यहां पर 20 के बाद 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, यानी ये डिक्रीमेंट हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।